दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ इसलिए मुझे 50 किलोमीटर से आना पड़ा क्योंकि उनकी जो जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी जो नीतियां हैं उनके विरोध प्रदर्शन करने के लिए जितना हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य है हम विरोध पक्ष में खड़े होंगे। उनका हर कानून हर जनता को बरगलाने वाला है, ठगने वाला है। वो कहीं से भी सीएम पद के लिए उम्मीदवार नहीं है, वो एक पैराशूटी एक एक्सीडेंटली सीएम बने हैं। और दिल्ली जो कि इस देश की राजधानी है, इस देश की दिल्ली से जो जो गतिविधियां होती हैं पूरे देश में वो संदेश जाता है, तो सेंटर में तो कम से कम स्वच्छ राजनीति हो जिसके दूर तक उसका स्वच्छता का उसका प्रकाश जाए। जो राष्ट्रीय हित में होगा, सर्वे हित में होगा, मैं हर वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ जो मुझे करना चाहिए इस भारतीय नागरिक होने के नाते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यही कहना चाहूँगा, कहीं भी मैं गलत नहीं होने दूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा, अनादर नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। और एक नैतिकता का एक क्योंकि एक मोटिवेशन स्पीचर भी हूँ मैं, तो नैतिकता के नाते, सभ्यता के नाते, आध्यात्मिकता के नाते मैं उनको सही दिशा देना चाहता हूँ। ना कि मुझे निजी हित में किसी से ना कोई दुश्मनाई है, ना किसी का मैं अपमान करना चाहता। मैं तो एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर राजनीति इस सत्र से भी हो सकती है, इस सोच से भी हो सकती है, इस उद्देश्य से भी हो सकती है। राजनीति एक पवित्र मंच है जन सेवा करने का, और ये वहाँ आम के आम गुठलियों के दाम है। ये पता ना ऐसे दुष्ट भ्रमित कैसे लोग कैसे बैठ गए हैं, जैसे आम जन के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं होता है, किसी के अंदर प्रेम दया करुणा किसी के अंदर कुछ नहीं, सब फिनिश, ये जिंदा लाशें हैं, कुछ नहीं है। ये है एक दिन हमें भी चौक चौराहे पर नीलाम कर देंगे, ऐसी राजनीति हमारे देश के अंदर हो रही है। दिल्ली से शुरुआत करते हुए देश को जागृति अभियान में जनता जनार्दन को जगाने में लगे हैं आचार्यों के तीन दलाल, कांग्रेस मोदी केजरीवाल। जय हिंद।